कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो जी स्मृति जी, बताइए, सवाल करिए। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार मैडम, मेरे को सोराइसिस और थायराइड है, नमक जैतून कैसे लेना है इसमें? ठीक है। ठीक, एक तो एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में रोज ले लिया करें, इससे भी फायदा मुमकिन होता है। एक यह है कि अलसी हल्का सा भून कर उसका पाउडर बना के रख लें, 1 चम्मच अलसी और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर ये 2 गिलास पानी दिन में पी लें, एक बार या ज़्यादा ज़्यादा 2 बार। एक ये है कि अलसी में 1 चम्मच अलसी में 1 चुटकी नमक जैतून मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस एक बार ही लेना चाहिए, बहुत ज़रूरत हो तो 2 बार भी ले सकते हैं। इससे आपको 3-4 फ़ायदे बल्कि 10 फ़ायदे तकरीबन होते हैं। ये एक तो ये सोराइसिस, खुजली और एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन और किडनी इन्फेक्शन और वहाँ से जिनके निकलते हैं चेहरे पे पिंपल्स निकलते हैं उसके लिए है, और बहुत सारे रोग, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है अक्सर हमारा, किडनी की जो गंदगी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें वो लेना पड़ता है अक्सर, हमारी अक्सर खून की सफाई करनी पड़ती है, डायलिसिस लेना पड़ता है। तो ऐसे जितने भी रोग मैंने आपको गिनाए उसमें आप ये नुस्खा ले सकते हैं, सब रोगों पर बहुत अच्छा काम करता है, घरेलू नुस्खा है, असली लेना ज़रूरी है, आपको फ़ायदा मुमकिन है। हरि प्रसाद जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। क्या हमारा 4 सवाल है जी। हाँ, पहला सवाल ये है कि हमको नाक से पानी गिरता है 2-3 साल से, और हेलो, तो हमारा 4 सवाल है जी। जी 4 सवाल है हमारा। टीवी मत सुनिए, आपका एक सवाल हम तक पहुंच चुका है। क्या है कि हमारा बगैर पाउडर से खाए बगैर बाथरूम नहीं होता है, और नाक से 1 साल से पानी गिरता है, और तीसरा सवाल है कि हम चलते हैं तो सांस में परम्बल होता है, चौथा सवाल है कि आंख दोनों धुंधला पड़ा दिखता है, और आपका वो गाजर और गोंद मुरीना खा रहे हैं। ठीक, हाँ देखिए, गोंद मुरीना काफी दिन तक लेना पड़ता है, 3-4-5 महीने भी बहुत जल्दी, यूनानी से आप उसकी फ़ायदे की उम्मीद ना रखें, चाहे हो जाए। और जो आप पाउडर खाते हैं, कौन सा पाउडर खाते हैं नहीं पता, लेकिन पेट के बहुत बड़े रोगी हैं जिनको बगैर कोई पाउडर खाए लैट्रिन नहीं होती, तो पेट का ज़रूर अच्छा करें। और मैं एक नुस्खा बता देता हूँ आपको, वो आप लें और देखिए 5-6 महीने लेना, आपकी तमाम बीमारियों के लिए है। ये जो एक आता है सपिस्तान, ये एक दवा का नाम है, बेर की तरह होते हैं सपिस्तान, और ये लें 100 ग्राम। और एक होता है उन्नाब, ये भी बेर की बराबर होता है लेकिन ये बिल्कुल लाल होता है, बल्कि इस ये बेर ही है जो ईरानी बेर कहलाता है, इसमें बहुत बारीक सी गुठली होती है, इस गुठली को निकाल कर फेंक दें। सपिस्तान, उन्नाव, अलसी, अलसी आप जानते ही होंगे, ये 100 ग्राम लें। और ये पीपलें होती हैं हमारी किचन में, पीपला मूल कहते हैं हिंदी में, ये
30 ग्राम लें, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम, इन सबको पाउडर बनाकर और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम गर्मा गर्म पानी या चाय से लें। ये नाक के पानी के लिए और आपके दूसरी परेशानियों के लिए है। इसमें आप लगातार इलाज करें, लेकिन 5-6 महीने करें। 10-20% अगर हर महीने फ़ायदा होने लगे तो आप समझेंगे कि आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी दीपाली, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। रजीम साहब को भी नमस्कार। जय हिंद दीपाली जी, स्वागत है आपका। सर मेरा पहला सवाल है सर, मेरे मतलब ऐसे सर सवाल तो नहीं, मेरी बात रख रही हूँ सर मैं आपके पास। मैंने आपके यहाँ से जैतून का शीशा मंगाया था सर, वो दिमाग के लिए मतलब डिप्रेशन के लिए, तो अभी उसकी एक बॉटल खत्म हो गई सर, तो मेरे पास 2 बॉटल मंगवाई थी मैंने, तो अभी एक बॉटल सर मेरे पास वैसे ही है, तो क्या मैं वो बॉटल जैतून के सिरके की और डबल ले सकती हूँ? मैं समझा नहीं हूँ सर, मतलब डिप्रेशन के लिए सर मैंने आपके यहाँ से जैतून का सिरका मंगाया था, तो उसमें मुझे बीपी वगैरह का प्रॉब्लम था, तो मुझे बीपी वगैरह जो थी वो नॉर्मल हो गई सर मेरी वाली, तो एक बॉटल मेरी वैसे की वैसी है, 2 बॉटल मंगाई थी, तो एक बॉटल में ही मुझे आराम मतलब अच्छा लगा, तो अभी एक बॉटल वैसे ही रखी है, तो मैं वो दूसरी जो बॉटल है वो ले सकती हूँ? जी जी ले सकते हैं। अब मैं समझा, हाँ आप ले सकते हैं, और आपका बीपी 1 महीने में तकरीबन अच्छा हो गया, बहुत मुबारक। लेकिन यूनानी में ये याद रखें, मैं सबसे कहता हूँ कि अगर किसी को जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो 2-4 महीने इलाज ज़रूर किया करें, ताकि ये रोग आपको जड़ से छोड़ दे। तो ये तो आपको बहुत अच्छा है कि भगवान आपसे खुश है, उसने जल्दी फ़ायदा दे दिया। लेकिन यूनानी में एक कोर्स होता है, उसे पूरा कर लें फिर आप छोड़ सकते हैं, आप और भी ले सकते हैं। बहुत सही आपने किया कि फ़ोन कर लिया, और जो रोग आपको है, दीपाली जी नाम बताया था सर जी, ये इसके रोगी हर घर में है। बस आपसे हमारा एक अनुरोध है कि आपके आसपास आपके रिश्तेदारों में इसका रोगी कोई नहीं रहना चाहिए आपके होते हुए। लोग 10-20 साल और ज़िंदगी भर दवा खाते हुए मर जाते हैं, दवा नहीं छूटती। ये एक भगवान ने हमें नुस्खा दिया है, हमने आप तक पहुंचाया, आपको अपने अजीज़ों तक पहुंचाना है, अपने दोस्तों तक, अपने ससुराल में, कि कहीं भी रोगी ना हो बीपी का। तो आप ये काम ज़रूर करें, अगर आप हमारा सम्मान करना चाहते हैं तो किसी को फायदा पहुंचाने में कोई बुराई नहीं। जी हरियाणा से हैं सुषमा जी, स्वागत है आपका। हेलो नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है सुषमा जी। हाँ जी सर, सर मैंने भी सर थोड़ी सी मुहिम शुरू की है आपके जैसे, आपके नक्शे कदम पे चलने की, अगर थोड़ी मेरी भी शुरू होती है तो दवा भी अपना जो मेरे को भी फायदा हुआ है सर भी औरों को भी मिल जाए। जी हाँ जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत स्वागत सर। अभी तो मैं तो एक सर, आप तो एक सागर हो, मैं अभी सर एक थोड़ा सा बूंद के बराबर ही हूँ, तो अभी शुरुआत हुई है, अगर जो किसी को फायदा हो जाए सर। एक 2-3 क्वेश्चन है सर जी। हाँ जी, एक रिलेटिव में ये है, थोड़ा 36 साल एज है उनकी, उनका वजन भी थोड़ा ज्यादा बताते हैं वो, अपना थायराइड भी है उनको, और मेन दिक्कत सर उनको डिस्क की प्रॉब्लम है 6-7 महीने से, तो रीढ़ की हड्डी में उन्होंने 3 इंजेक्शन भी लगवाए, और ये पेन किलर वगैरह भी खा रहे हैं तो हाँ जी, तो उसके बाद उनको आराम नहीं हो रहा है, जब तक दवाई लेते हैं तब तक आराम है, तो मैंने उनको यही कहा था भी सबसे पहले, तो मैंने कहा सर की कंडीशन यही होती है, अभी अपना वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज करो और वजन नहीं उठाना। हाँ जी सर, जैसे आप बताते हो, और बाकी सर वो इलाज भी पूछ रहे थे भी क्या इसके करें, और थायराइड भी है सर उनको। और सर एक और क्वेश्चन है, मैं ना आपका ये रिपीट तरीका देखती रहती हूँ बीच बीच में, तो आप ये एक्सरसाइज भी बताते हो, तो एक एक्सरसाइज आप कमर के नीचे कपड़ा
रख के करने की बताते हैं वो किस लिए सर, और ग्रीन टी के फायदे भी बता दो सर। ठीक है सुषमा जी। और सर हाँ जी, अपना आशीर्वाद हमें देना क्योंकि हम जो है ना ये लोगों को बताते रहे आपके बारे में और लोग फायदा उठाएं, अच्छे हो जाए। बहुत मेरी तो यही दुआ रहती है सर, अच्छी सेहत के साथ सबको लंबी उम्र मिले। सुषमा जी आपके साथ हमेशा दुआ आशीर्वाद और जो भी मेरे बस में हो ज़रूर। और दरअसल इस मुहिम की वजह से हम हर घर तक पहुंच गए और लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, क्योंकि देखिए मेरी पहुंच सिर्फ आप तक है और आपकी पहुंच मुझसे ज़्यादा हो सकती है, आपके हर घर तक नहीं है लेकिन आपके घर तक हो गई। भगवान ने आपको मेरे नुस्खे से फ़ायदा दिया और मैं तो अनुरोध करता हूँ सबसे कि ये ज़रूर करें कि जिससे आपको फ़ायदा हो वो फ़ायदा दूसरों की तरफ पहुंचा दे। ये एक इतना बड़ा काम है, देखने में मामूली लगता है लेकिन आप सोचो कि जब आप बेड पर पड़े रहते थे और ऐसा लगता था ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी, फिर मेरा मशवरा आप तक पहुंचा, आप इतने खुश हो गए कि अक्सर फ़ोन करते हैं। और ऐसे जाने कितने लोग हैं ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें दुनिया नरक लगती है, तो उन तक हमें पहुंचना है। तो गौण सिया तो आपको पता है, आधा आधा ग्राम देना है, दो बार देना है, और वेस्टर्न टॉयलेट आपने बता ही दिया। और क्या बीमारी थी? कमर के नीचे जो कपड़ा लगाने वाला एक्सरसाइज। हाँ जी, कमर के नीचे जो कपड़ा लगाते हैं, एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब होने के बावजूद टांगों का दर्द चला गया, सब जगह चला गया, कमर में रह गया, तो क्योंकि स्लिप डिस्क होती है तो डिस्क किसी सूरत अगर काबू में नहीं आती तो मैं ये कहता हूँ जो हमारी महिलाएं तो वो मलमल का रुपट्टा ओढ़ते हैं ना, ऐसे नरम सा होता है, ऐसे लपेट के वो एंडी या पेंडी क्या कहते हैं उसको गोल कर लेते हैं और वो कमर के नीचे रख के जहाँ पर तकलीफ है और सीधा लेट जाओ। तो कभी कभी इस अबल से हमारी डिस्क अपनी जगह पर संतुलित हो जाते हैं और दवा फिर ज़्यादा असर करती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, दो चार पाँच मिनट दिन में दो तीन बार लेटें, उसको एक ऐसा अमल समझें अपनी जगह पर डिस्क को लाने का। और इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, अक्सर लोग मालिशें करा देते हैं और मैं तो देखता हूँ कि लोग कहीं जाते हैं जो उनसे क्या टांग में झटका लगवा लेते हैं और क्या क्या करते हैं, बाबा सोच समझ नहीं आता। ये एक साइंटिफिक अमल है, करके देख लें, इससे नुकसान कभी नहीं होता। और उनको कुछ और भी रोग था, वजन ज़्यादा, थायराइड। जी अच्छा, वज़न ज़्यादा है और थायराइड है तो आसान नुस्खा है, नमक जैतून एक चुटकी, खाने का सोडा एक चुटकी, दो गिलास पानी में डालें और धनिए का पाउडर एक चम्मच खाएं, और दिन में दो बार ऐसा कर सकते हैं। डाइट कंट्रोल को ज़रूर कहें आप, वैसे तो मेरी आप सारी बातें फॉलो करते हैं लेकिन डाइट कंट्रोल यानी कि हम करें 50 ग्राम वज़न कम और उनको 100 ग्राम बढ़ाने लगे, वो डाइट कंट्रोल करना, धूप में बैठना या चलने लायक हैं तो आराम आराम से एक घंटा पैदल भी चलें। ये इतना अच्छा नुस्खा है, आप तो खैर सभी नुस्खे आजमा चुकी हैं, मेरी दुआ भी है कि आपके ज़रिए लोगों को मुझसे भी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने लगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक सवाल और था हकीम साहब कि ग्रीन टी के फ़ायदे जानना चाह रही थी। अभी ग्रीन टी जब फ़ायदा करती, जब वो बगैर दूध के पी जाए और उसमें एक लीमू निचोड़ लिया जाए तो ये फ़ायदा करना शुरू कर देती है, वज़न भी कम करती है। अक्सर लोग वज़न कम करने के लिए लेते हैं लेकिन वज़न कम करने की कोई भी दवाइयाँ अच्छा काम नहीं करती जब तक हम डाइट कंट्रोल ना करें। मैं तो बगैर दवा के ही दुबला हुआ जा रहा हूँ,
मेरी बीवी टोक रही है कि इतना पतले मत हो, तुम्हारा चेहरा बेकार हो रहा है। मैंने कहा चेहरे का मुझे कुछ नहीं, मेरे जो व्यूवर्स हैं मुझे ऐसे ही पसंद कर लेंगे, लेकिन जो मैं लोगों को कहता हूँ कि वज़न कम होना चाहिए बुढ़ापे में, जितना बुढ़ापा हो इतना वज़न कम करें, और मोटापा तो वैसे ही बुढ़ापे की तरह है। तो कितने लोग मुझे मेरे यार दोस्त या पुराने व्यूवर्स कहते हैं कि आप बैक हो रहे हो, बड़ा फ़ायदा रहता है, बहुत स्ट्रेंथ रहती है, बहुत एक्टिव रहता है आदमी वज़न कम होने से। आप कभी ये करके देखें। बहुत शुक्रिया सुषमा जी। जी।